आफ्टर 42 जो लाइफ स्टाइल चेंजेस आती हैं उसमें ये है कि आपका एक तो जो जो पहले खाने की कैपेसिटी थी वो कम हो जाती है, वो पहले से कम हो जाती है। अगर आप पहले फुल स्टमक लेते थे और आपकी ज़्यादा कैपेसिटी ज़्यादा थी, अब हम उस स्टमक को छोटा कर देते हैं तो आपकी खाने की कैपेसिटी भी कम हो जाती है, ऑब्वियसली उस तरह से नहीं खा पाएंगे जिस तरह पहले। लेकिन ये कि आपको ये नहीं फील होता कि आप बहुत वीक हो गए हैं या आपकी आपकी स्टाइटी हो जाती है, आपको लगता है जो आपने खाया है वो बहुत सफिशेंट है और आपकी बॉडी के लिए न्यूट्रिशन पॉइंट उससे बहुत अच्छा है। जो आप पहले एक्सेस खाते थे, बहुत एक्स्ट्रा अमाउंट में ले लेते थे, उस तरह से नहीं ले सकेंगे। लेकिन आप अपनी क्वालिटी फूड को इन्जॉय करते हैं, अपनी जो प्रोटीन डाइट है उस पर रखते हैं इनिशियली, तो वो आपको वीकनेस नहीं होती ना, आपको कोई ऐसा एहसास होता है। तो एक तो वो खाने की कैपेसिटी जो आपकी कम करते हैं, दूसरा इन बाईपास प्रोसीजर आपकी जो मेल अब्जॉर्प्टिव प्रोसीजर है उसमें अब्जॉर्व करने की जो है ना कैपेसिटी कम हो जाती है। तो जो पेशेंट बहुत एक्सेस वेट में होते हैं उनको हम बाईपास करते हैं, उससे आप एक तो स्टमक छोटा भी करते हैं, दूसरा इंटेस्टाइन को बाईपास करते हैं। तो उस लिहाज से आपकी खाने की कैपेसिटी भी कम होगी, प्लस आपकी फूड भी उतनी अब्जॉर्ब नहीं होगी जितनी पहले होती थी। तो उस जो बॉडी अपने हार्मोनल मैकेनिज्म से आपकी जो फैट डिपॉजिट उसको डिसॉल्व करेगी और अपने बैक टू नॉर्मल बीएमए में जाएंगे, आपका वेट लूज